हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज हम बताएंगे आपको पेस्ट कंट्रोल के अंदर टर्माइट का ट्रीटमेंट कैसे करा जाता है। जब सॉइल हमारी फ्लोर के अंदर डलती है, मकान हम बनाते हैं तो सॉइल के ऊपर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं सोलन का, उस टाइम टर्माइट की दवाई डलती है और पाउडर फॉर्म के अंदर मेडिसिन का यूज होता है, जिससे कि एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट की एक लेयर बन जाती है और टर्माइट हमारे मकान में आती नहीं। मिट्टी के अंदर जब टर्माइट आ जाता है, दीमक आ जाता है, तो उसको रोकने के लिए हम केमिकल का स्प्रे करते हैं और कुछ पाउडर फॉर्म के अंदर उसका छिड़काव करते हैं, जिससे कि वो एक लेयर बन जाती है और उससे टर्माइट ऊपर आ नहीं पाता है। जब हमारा मकान बने दोस्तों, या तो आप किसी प्रोफेशनल पेस्ट कंट्रोल वाले से ये करवाए या खुद मार्केट से भी लेके आप, जैसे कि एविडा क्लोप्रिड होता है या क्लोरोपाइरीफॉस दवाई होती है, जिससे कि टर्माइट रुक जाता है, टर्माइट फिनिश हो जाता है, उन दवाइयों का यूज करके आप टर्माइट को रोक सकते हो। बेहतर जानने के लिए हमारी एक साइट चल रही है कंस्ट्रक्शन की, वहां पे आपको लेके चलते हैं। वहां पे कैसे कैसे टेक्नीशियन है पाउडर का छिड़काव करने वाले हैं और उसके अंदर कैसे कैसे दवाई से स्प्रे करने वाले हैं, वो सभी चीज हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे विजिट। जो हम इसमें पाउडर यूज कर रहे हैं, रिजेंट यूज कर रहे हैं, बायर कंपनी का जो रिजेंट होता है पाउडर फॉर्म में आता है, मिट्टी के ऊपर सोलंग करी गई है और सोलंग के ऊपर इसका छिड़काव कर रहे हैं। आप कोई डस्ट होती है, कीटनाशक डस्ट होती है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि टेक्नीशियन नींव के समय इनको यूज करते हुए आपको दिखाया जा रहा है, नींव के टाइम भी आप इसके अंदर छिड़काव कर सकते हैं, सोलंग के अंदर भी आप कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे और अदर इंसेक्ट भी ख़त्म हो जाते हैं। केमिकल स्प्रे करने के लिए क्लोरोपाइरीफॉस टेक्निकल आता है, जो दीमक को मारता है। ये आपको मार्केट में एल्ड्रीन या लीथल के नाम से मिल सकता है। इस केमिकल में स्मेल आती है दोस्तों, जिससे कि टर्माइट मर जाता है। इसकी जो डोज रहती है, एक लीटर पानी के अंदर 40 लीटर की डोज रहती है। यह आपको मार्केट के अंदर लीथल या क्लोरोपाइरीफॉस या एल्ड्रीन के, जो हम लोग ज़्यादा काम में लेते हैं, प्रीमाइश नाम का केमिकल आता है, जिसमें इमिडा क्लोप्रिड होता है, जिसमें बदबू भी नहीं आती है दोस्तों, और दीमक का जो असर है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। इसका जो डोज है, एक लीटर केमिकल से 400 लीटर केमिकल बन जाता है, इसलिए हम यूज करते हैं। केमिकल को एक बड़े से ड्रम के अंदर घोल लेना है और फिर पाइप के द्वारा स्प्रे करना है। जो केमिकल का स्प्रे करना है, 5 लीटर घोल को 20 फुट के एरिए के अंदर हमें अच्छे से स्प्रे करना है, जैसे कि पाइप के द्वारा ये टेक्नीशियन हमारा स्प्रे करना है, इसी प्रकार से सभी जगह अच्छे से स्प्रे कर देना है दोस्तों। दोस्तों जिस हिसाब से आपने हमारी वीडियो देखी, जिसके अंदर टेक्नीशियन पाउडर का भी स्प्रे कर रहे थे और केमिकल का भी स्प्रे कर रहे थे, इस प्रकार से आप स्प्रे कराते हो या अपने घर के अंदर करते हो, तो अप्रोक्स 10 से 15 साल तक आपको टर्माइट दीमक का प्रॉब्लम नहीं आएगा मकान के अंदर। आप इसके बाद ही फिर अपना फ्लोर बनाइए, आपके टाइल्स हो, मार्बल हो, वो लगाइए। यदि आप इस प्रकार का केमिकल लेना चाहते हैं तो आप हमसे भी परचेज कर सकते हैं, और इस प्रकार का यदि आप हमसे सर्विस कराना चाहते हैं तो वो सर्विस भी आप हमसे करवा सकते हैं। हमारी सर्विस जो है कि जयपुर के अंदर, अजमेर में, किशनगढ़ में और ऑल ओवर राजस्थान जो भी एरिया है, वहां पे हमारी केमिकल भी हम प्रोवाइड करते हैं और इस सर्विस को भी हम प्रोवाइड करते हैं। जैसा भी आपको सॉल्यूशन चाहिए टर्माइट की रिगार्डिंग, तो आप हमसे ले सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो किसी भी प्रकार से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारे वीडियो को लाइक करें।